हेलो वेलकम बैक गाइस। तो आपको याद है लास्ट टाइम क्या हुआ था? गाइस हमने ये बड़ा सा फूड स्टॉल खरीद लिया था, मतलब ये हमारा सेकंड फूड स्टॉल है और ये पिछले वाले से थोड़ा बड़ा है। और हमने जो लास्ट बारी अपना फूड स्टॉल लगाया था ना, तो हमें काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। और गाइस अभी हमारे पास इतना प्रॉफिट है कि अपन छोटे मोटे टेबल्स ये सब अरेंज करके एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। मतलब ये स्टॉल से अपन अपग्रेड करके सीधा रेस्टोरेंट पे जा सकते हैं गाइस। बट मेरे को शिनचैन ने एक आइडिया बताया, उसने मेरे को ये बोला, अरिन भाई क्यों ना अपन अंडर वाटर रेस्टोरेंट खोले। तो गाइस मेरे दिमाग में काफी सारी घंटियां बजी, लेकिन हाँ अंडर वाटर तो बहुत ज्यादा मुश्किल है और उसके लिए काफी ज्यादा पैसा लगेगा। और गाइस पानी वानी को रोक के एक अंदर में बड़ा सा होटल बनाना, रेस्टोरेंट बनाना इजी नहीं है। तो मैंने सोचा अभी जितना हमारे पास पैसा है और जितना बजट है उस पे अंडर वाटर तो नहीं बट गाइस पानी में एक रेस्टोरेंट खोल सकता है। अब वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए पहले हमें काफी सारा सामान लगेगा, जैसे कि टेबल चेयर ये सब तो लगेगी। बट गाइस इस बार ये अपन ना इंडियन खाना बेचने वाले, आप समझ रहे हो? मतलब अपन जो एक कुकिंग गेम खेलेंगे ना गाइस, वो इंडियन कुकिंग गेम है। उसमें अपने को जो अपन इंडिया में खाते हैं ना वो सब बनाना रहेगा और उसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि अपन कहाँ पे खोलेंगे। गाइस मैं सोच रहा हूँ रेदर देन पानी के अंदर अपन पानी के ऊपर पे खोलेंगे। और मेरे को ये जगह काफी सही दिख रही है, बीच है, बीच का किनारा है और गाइस कोई रोकने वाला भी नहीं दिख रहा इधर आसपास। तो क्यों ना अपन यहाँ पे अपनी टेबल एंड चेयर डाल दे। वेल गाइस मैं एक सेकंड के अंदर यहाँ पे सारे टेबल सेटअप करता हूँ, जितना भी हमारे पास पिछले बार का प्रॉफिट बचा है उससे। वेल गाइस गेस व्हाट हो गया, मतलब मैं दुकान उकान गया था, ऑर्डर दिया, वहां से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, काफी बड़ा प्रोसेस था। बट एक सेकंड में आप लोग के लिए, बट गाइस अब सीन कैसा है ना कि हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, टेबल चेयर जो कि बढ़िया पानी में, मतलब पानी के साइड पे खाने के लिए एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। बट गाइस अपन श्योर नहीं है कि कितने बंदे आएंगे या नहीं, और अपन आज इंडियन वाले खाने सर्व करने वाले, आप समझ रहे हो ना, तो और भी कोई श्योरिटी नहीं है कि बंदे आएंगे या नहीं। बट ठीक है अब मैं अंदर जाता हूँ। और गाइस सीन कैसा है ना, बनाएंगे तो अपन अपने फूड स्टॉल पे, बट हाँ खाने के लिए बंदों को इस बार सीट मिलेगी, खड़े होके नहीं खाना है। लेट्स सी, देखते कोई आ रहा है नहीं। और हाँ गाइस एक बात और, अपना जो मतलब एम है ना वो ये, अगर अपने पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं तो अपन अंडर वाटर बनाएंगे, लाइक लिटरली अंडर वाटर, मतलब पानी के अंदर ही अपन बैठ के खाएंगे। बट अभी फिलहाल उतना बजट नहीं है, होपफुली अगर अच्छा खासा बजट आता है तो शायद अपन अंडर वाटर फट से बना ले। मास्टर क्या आया है? ओ भाई गाइस कस्टमर, लेट्स गो, अपन अपने गेम पे घुसते हैं। 3-2-1 लेट्स गो। वेल गाइस तो ये रहा हमारा गेम, ठीक है। इसमें अपने को पनीर टिक्का बनाना है, ठीक है। सबसे पहले उठा रहा है पनीर, उसके बाद उसे तंदूर में डालना है, फिर वो 2 मिनट में हो गया और उसे सर्व कर रहा है। वेल ये काफी सिंपल है और पनीर तंदूरी ये सब बनाना बहुत इजी है, और क्योंकि ये लेवल 1 है तो आई गेस ये काफी ज्यादा इजी होने वाला है। फिर इसको भी पनीर ही खाना है, ये तो है, अपने को पनीर ज्यादा ही मिलता है इधर। बट गाइस जैसे ही अपना वो सीन होगा ना कि लेवल मतलब बढ़ते जा रहे हैं, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। देखो यहाँ पे इतनी सारी जगह, यहाँ पे इतने सारे स्टोर है, ठीक है, मतलब अपन सारे स्टोव में कुछ ना कुछ तो बना सकते हैं। और यहाँ पे मसाले रखे हैं, यहाँ पे कस्टमर के पैसे, मतलब बहुत कुछ सीन है इस पे। तो अपन देखते हैं कि आगे बढ़ते लेवल्स में अपने को क्या क्या सीखने को मिलता है। वेल गेस व्हाट, हमारा लेवल 1 तो क्लियर हो गया है। पर अब अपने को चिकन बनाना है गाइस, वो भी यहाँ पे तंदूर पे बनाना है ना, सीधा सीधा, और इस बंदे को चिकन देना है। लेकिन सीन कैसा है कि एक सेकंड में अपना ये तंदूरी चिकन बन जा रहा है भाई, एक सेकंड में, आप समझ रहे हो। चलो ये भी बढ़िया, इसको क्या चाहिए? ओके इसको पनीर ही चाहिए, मतलब अभी भी कई लोगों को पनीर चाहिए, ऐसा नहीं है कि चिकन ही चिकन चाहिए। वेल गाइस मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले से ना, ओ भाई एक साथ अपन दो दो चीज रख सकते हैं क्या, ये तो बढ़िया। ओ शिट गाइस प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब ये उठाएगा कैसे। ओके उठा सकते हैं, वेल ऑल राइट ये सही है। अब इसके लिए अपन चिकन पहले चढ़ा चुके हैं गाइस, अपन तो पहले से ही प्रो हो गए। मास्टर गलती से प्रो हुए हो, गलती से, हाँ वो बात अलग है। बट इसको भी चिकन चाहिए और गाइस इसके लिए भी अपन चिकन चढ़ा दी, आप समझ रहे हो, मतलब भाई ये स्पीड चाहिए थी ना अपने को। मास्टर लेकिन एक बात बताओ कि आपको क्या लगता है भाई कि यहाँ पे हमें और क्या इंडियन खाना बनाना होगा? भाई वो तो नहीं पता बट लेवल क्लियर हो गया भाई। वेल गाइस अब अपने को यहाँ पे ओके से दबा के रखना है और पनीर टिक्का बनाना है, ठीक है मैं समझ गया। ओ भाई इसके पास तो कुछ सुपर पावर सी आ रखी है गाइस, अब ये काफी ज्यादा तेज हो रखी है, ये देखो। और अपने पास एक और स्टोव खुल गया है, एक टाइम पे अपन 2 बंदों को सर्व कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड। और गाइस सीन कैसा है ना, इसके पास ये सुपर जो इतना फास्ट चल रही है ना भाई, उसके एक मिनट गाइस मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गेम थोड़ा सा हार्ड हो गया। ओ भाई ये जलने वाला था, ओके ठीक है ठीक है, अब क्रेजी हार्ड हो रहा है ना भाई, क्रेजी हार्ड हो रहा है। मैं पहले, ओ भाई शिट, मैंने 2 बारी पनीर डाल दिया है, अब जो दिक्कत, ये मांगेगा चिकन, मैं श्योर हूँ ये चिकन मांगेगा, मेरे को पता था, मैंने 2 बारी पनीर डाल दिया है। भाई 2 मिनट रुक, तेरे को तेरा चिकन मिल जाएगा। वेल एक और पनीर गाइस, अगर कोई पनीर वाला बंदा नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। ओके भाई प्लीज कोई आ जाओ जिसको पनीर चाहिए हो, प्लीज कोई आ जाओ जिसको पनीर चाहिए हो। ओके ओके आंटी पनीर मैंने मांगते से पहले दे दिया इनको, समझ रहे हो गाइस। वेल गाइस हमने सारे लेवल क्लियर कर दिया और इस बार हमें ठीक ठाक पैसे भी मिल गए, मतलब अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपन, देखो पानी में खोले तो कस्टमर अच्छे खासा है, अगर अपन थोड़े और अंदर वाले पानी में खोल
तो क्या सीन होगा? हाँ मास्टर, अभी ये तो खोल के ही पता चलेगा भाई। फिर बात तेरी ठीक है, बट हाँ सीन ये है कि अगर अपन थोड़ा बहुत सस्ता सा कुछ ले लेते हैं जो कि बंदे बैठने से डूब जाए तो गाइस अपने रेस्टोरेंट का नाम खराब हो जाएगा। तो अपन को ना कुछ ऐसा चीज लेना पड़ेगा जिसका बेस ना स्ट्रांग हो कि गाइस वो पानी पे डूबे ना। और ऐसी कोई लकड़ियां हो सकती है क्या? नहीं, लकड़ियों से तो काम नहीं बनेगा। ओके गाइस, अपने को कुछ तो सीमेंट का कराना पड़ेगा, बट उसके लिए तो अपने को काफी ज्यादा हॉचपॉच करना पड़ेगा। और ये टेक्निकली ये बीच ये पानी अपना है भी नहीं, तो मोस्टली अपन ये पब्लिक प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं जो कर रहे हैं। जब तक तो कोई पुलिस वाले नहीं आते तब तक तो अपना काम होगा, बट अगर कोई आ गया तो गाइस ये सारा कुछ अंदर जाएगा। लेकिन गाइस हमें ट्राई तो करना ही पड़ेगा, मेरे पास एक आइडिया शिनचैन, तो एक काम कर, तू यहाँ पे वेट कर, मैं फूड स्टॉल को इसमें से निकाल के ट्रॉली में से सिप और सिप ये अपनी जो ट्रॉली और ये सामने वाली जो बाइक टाइप की कार है ना उसे लेके जा रहा हूँ, ठीक है? तू यहाँ पे वेट करना, अगर कोई कस्टमर आए और छोटी मोटी चीज मांगे तो बना के दे दियो भाई, ठीक है? ओके आर्यन भाई, कोई टेंशन नहीं है। वेल ठीक है, तो फिर अपन चलते हैं, चौक चल। आर्यन भाई जल्दी आना। हाँ भाई मैं जल्दी आऊंगा, लेकिन थोड़ा साइड तो हो जा। जा भाई सीधा स्टॉल के अंदर जा। गाइस अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं ना एक बड़ी सी लकड़ी लेके आऊंगा, लकड़ी मतलब वो एक वुडन फ्लोर होगा। और गाइस वो वुडन फ्लोर को अपन बीचों बीच डालेंगे पानी के और फिर देखते हैं कि क्या होता है, मतलब कोई खास टेंशन वाली बात नहीं है। वेल गाइस अपन काफी ज्यादा क्लोज है शॉप के। ओके अपन शॉप पहुंच गए, अब अपने को बस अंदर जाना है और गाइस उसके बाद देखी जाएगी ना कि बंदे मतलब क्या दे रहे हैं अपने को वहां से। गाइस मुझे तो एक आध बर्गर बनाने के अलावा कुछ आता भी नहीं है, और वो बर्गर भी ना मैं बर्गर के बन के बीच में एक आलू की पैटी रखता हूँ, बस उतना ही आता है। लेकिन फिर भी अगर कोई कस्टमर आएगा तो मैं उसे कुछ तो कुछ बना के जरूर दूंगा, क्योंकि भाई हमारे रेस्टोरेंट का नाम खराब नहीं होना चाहिए। अरे हमें जो कंप्लेन मिली थी वो इसी ढाबे की थी क्या? लगता है यहाँ पर ही किसी ने इलीगली फूड स्टॉल खोला है। रुको अभी देखते हैं ये कौन है, एक छोटा सा बच्चा, इसने इतना बड़ा स्टॉल कैसे खोल दिया है। अरे वाह कस्टमर, अंकल जी आपको क्या चाहिए बताओ। अरे तुम्हारी तो हाइट भी नहीं पहुँच रही है, तुम्हें पता है ना ये जमीन किसकी है? तुम्हारी तो नहीं है ना? ये जमीन तो धरती माँ की है। अरे ये जमीन गवर्नमेंट के अंदर आती है और तुमने यहाँ पे इलीगली ये खोला है। इलीगल? हम ऐसा इलीगल काम कुछ नहीं करते हैं अंकल। वैसे स्टॉल का ओनर कौन है? आर्यन भाई है, वो भी सामान लेने बाहर गई है, आते ही होंगे एक आध दो घंटे में। एक आध दो घंटे? हमें ऑर्डर मिला है कि तुम्हारा ये फटाक से हटाना है ठेला। ये देखो मुझे कॉल भी आ रहे हैं, जल्दी से अपना ठेला हटाओ यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हारा सारा सामान जब्त कर लेंगे। मैं कैसे हटाऊँ, यहाँ पे तो कार भी नहीं है और मैं धक्का तो दे नहीं पाऊंगा, और यहाँ पे इतने सारे टेबल्स है। गाइस लगता है अपन फंस गए हैं। अंकल जी मैं अकेले नहीं हटा सकता हूँ। तो हमारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, हम ये सारा सामान सीज करके ले जाएंगे और फिर तुम्हें ये छुड़वाने पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। अरे यार आर्यन भाई ने मेरे पास कोई फोन भी नहीं छोड़ा है, वरना मैं उन्हें फोन करके बता देता। अब ये ठेला चला जाएगा तो हमारा क्या होगा गाइस? सारा सामान खाने पीने का सब उसके अंदर ही है। चलो सारा सामान लेके जा रहे हैं हम, अगर छुड़वाना होगा तो पुलिस स्टेशन आ जाएंगे ये बच्चे लोग। पता नहीं आजकल के बच्चे क्या क्या करने लगे हैं भाई। वो भाई चलो पहुंचने वाले। गाइस ये देखो मैंने एक बड़ा सा वुडन फ्लोर ले लिया है भाई, बड़े मुश्किल से तो ये छोटी सी गाड़ी में अपने फिट आया। और गाइस सबसे बड़ी टेंशन क्या थी पता है? कि अपनी गाड़ी इसका भार उठा पाएगी? वेल बीच वाले कोई बंदे ना अपने से टकरा ना जाए, वरना काफी बड़ी। एक मिनट शिनचैन खड़ा है, स्टॉल कहाँ है भाई? क्या अरे तू यहाँ कहाँ खड़ा है? स्टॉल तो यही लगा था ना भाई, स्टॉल किधर गया अपना? आर्यन भाई एक प्रॉब्लम हो गई है यार। प्रॉब्लम हो गई है? क्या प्रॉब्लम हो गई है भाई? अरे असली में ना हमारा जो स्टॉल था ना। हाँ था वो, उसको ना। हाँ उसको क्या? पुलिस ना अपने अंदर कब्जा करके ले गई है। क्या पुलिस कब्जा करके ले गई है? क्या बोल रहा है? ओ शिट गाइस, मैंने आपको बताया था जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक तो सब ठीक है, पुलिस आएगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे अपने पास कोई परमिशन नहीं थी इसको खोलने की। और शिट भाई उसपे काफी सारा खाना था, वो सारा पुलिस स्टेशन में रखे रखे खराब हो जाएगा। और मैंने ये इतना बड़ा वुडन फ्लोर लिया था, इसमें सारी सेविंग लगा दी मैंने। गाइस हमने जितना प्रॉफिट बनाया था ना सब इसमें लग गया है भाई, ये देखो कितना बड़ा है और इतनी सारी लकड़ियों का यूज हुआ है। तो गाइस अब अपन फंस चुके हैं बहुत बुरा, अगर तो पुलिस वाले हमारा फूड स्टॉल जल्दी छोड़ देते तब तो अपन बच जाएंगे, लेकिन अगर नहीं छोड़ते तो गाइस दिक्कत हो जाएगी। और अपन ये इतना बड़ा वुड वाला जो अपना है ना ये फ्लोर, इसको पुलिस स्टेशन ले जा भी नहीं सकते, तो अपने को इसे यही छोड़ना पड़ेगा और इसे यहाँ छोड़ के पुलिस स्टेशन जाएंगे। और जब तक वापस आ रहे हो अगर ये भी गायब हो गया ना भाई दिक्कत हो जाएगी, और ये इतना बड़ा है कि इसे रखने की कहीं जगह नहीं है, तो मतलब अपन फंस चुके हैं और कुछ नहीं। भाई बंदों ने टेबल भी ले गया। व्हाट भाई ये दो चेयर किसके लिए छोड़ दिया है भाई? हाँ ये दो चेयर क्यों छोड़ दिया? अच्छा गाइस ये दो चेयर ना अंदर गढ़ी गई थी इसलिए निकाले नहीं। क्या बंदे है भाई। वेल गाइस गेस व्हाट, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, चल
भाई पुलिस स्टेशन चलते हैं, अब वहाँ से छुड़वाएंगे। आर्यन भाई आप लोग जाओ, मैं इसकी देखभाल करूंगा। भाई तूने तो फूड स्टॉल की भी देखभाल के लिए यहाँ पे रुका था, बट हुआ कुछ नहीं। इस बार मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। अरे नहीं भाई ऐसा कुछ मत करना, मैं आता हूँ। चल ठीक है, बस देखना बस की ना पानी ज्यादा ना पड़े। वेल गाइस अपन सीधा चलते पुलिस स्टेशन, और मतलब हमारे साथ काफी ज्यादा बुरा हो चुका है। वेल गाइस अपन पहुंच ही गए ऑलमोस्ट, ये रही गवर्नमेंट फैसिलिटी। बट सीन कैसा है ना कि यहाँ पे अपनी एंट्री अलाउड है कि नहीं पता। वेल अपन घुस तो गए, बट हाँ ये है कि अपने को खोजना पड़ेगा, ये इतना बड़ा स्टेशन है कि यहाँ पे खोजते खोजते ना निकल जाएगा रास्ता। अरे भाई खोल दो यार। वेल गेट तो इन्होंने खोल दिया है और यहाँ पे काफी सारे पुलिस वाले खड़े हैं, शायद इससे पूछना पड़ेगा। सर क्या सीन था ना कि हमारी फूड स्टॉल अभी सीज हुई है, तो क्या वो यही है क्या? अरे तुम्हारी है क्या फूड स्टॉल, चलो आओ मेरे पीछे। अरे भाई फाइनली अपनी फूड स्टॉल एटलीस्ट मिल तो गई। गाइस लेट्स सी कि अपनी फूड स्टॉल किस हालत है। भाई फटाफट से छूटते हैं। अंदर आओ, तुम्हें अंदर आना पड़ेगा। अरे हाँ यही तो है अपनी फूड स्टॉल और हमारे सारे टेबल, चलो एटलीस्ट अच्छी हालत में मैं चलो कम से कम अंदर जाके देख लेता हूँ। ओए अंदर नहीं जाना है। अरे यार अंदर क्यों नहीं जा सकता मैं, चलो ठीक है यहीं से। गाइस अपने तो फूड वगैरह वो काफी फ्रेश लग रहे हैं। बस ऑफिसर आप ये बता दो कि अपने को छुड़ाना कैसे? उड़ाना नहीं होता है यहाँ पे, पैसे दो और ले जाओ। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, फाइन कितने का भरना है? कम से कम 4 गड्डी तो लगेगी। क्या 4 गड्डी? गाइस अपने पास तो थी ही 3 गड्डी और वो तीनों गड्डी की अपन वो बड़ा सा वुडन फ्लोर ले चुके हैं, अब छुड़ाऊं कैसे? वेल ऑफिसर आप मेरे को थोड़ा सा समय दो, मैं पैसे जैसे जैसे करके लाता हूँ। ठीक है। अरे भाई अब चल भाई इधर से, अपने को भाई पूरी 4 गड्डी टोटल इकट्ठा करनी, तू समझ रहा है? बाप रे मास्टर, अभी तो हमने सारा पैसा खर्चा कर दिया है। हाँ वही तो, लेकिन टेंशन नॉट, अपन कुछ तो कुछ सीन करके। वेल अगर अपन वो वाला वुडन फ्लोर वापस बेचने जाते हैं, ठीक है, तो अगर अपन उसे ठीक ठाक प्राइस पे बेच देते हैं तो एक सीन तो अच्छा रहेगा कि अपने को 3 गड्डी नहीं तो 2 गड्डी तो उससे मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो सेकंड हैंड हो चुका है। और कुछ चीजें है क्या अपने पास बेचने लायक? 2 चेयर है, उससे कुछ हो जाएगा और ये गाड़ी भी बेचनी पड़ेगी। मास्टर ये गाड़ी बेच दोगे तो फूड स्टॉल कैसे चलाओगे? अरे हाँ यार काफी बड़ी समस्या में आ गए अपन, बट गाइस अपन को फिगर आउट तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप भी देखा जाते हो कि अपन कैसे ये प्रॉब्लम को फिगर आउट करते हैं और अपन अपना सबसे बड़ा होटल कैसे खोल पाते हैं अंडर वाटर, तो मेरे को एक बार कमेंट में बता दो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।